हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट से अपना बैंक डिटेल डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसे कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, आपको अगर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट से अपना बैंक डिटेल बिल्कुल आसानी से डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली दोस्तों, आपको क्या करना है, आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट को ओपन कर लेंगे। अमेज़ॉन अकाउंट ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे अमेज़ॉन अकाउंट का होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है, यहाँ नीचे दिए गए थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैनेज पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे आपको सिंपली वॉलेट में देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको इसको रिमूव करना है तो हटाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो बैंक डिटेल था वो यहाँ से इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो वॉलेट में सेव था आपका बैंक डिटेल वो यहाँ पे अब डिलीट हो चुका हुआ है। दोस्तों आप इस तरीके से अपना अमेज़ॉन अकाउंट का बैंक डिटेल इस तरीके से डिलीट कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट से बैंक डिटेल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों मिलते हैं कुछ इस तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।